टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4A। ऑफ चैप्टर 4 लीनियर इन इक्वेशंस। फ्रॉम सेलिना कंसाइज 4 2024 न्यू एडिशन न्यू कंटेंट्स फॉर क्लास 10 फॉर आईसीएसई। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट गुड फाइव इवनिंग। सम्स। गुड इवनिंग सर। अच्छे फर्स्ट फाइव सम्स वी हैव ऑलरेडी डन इन प्रीवियस लेक्चर। सिक्स सम बच्चे, व्हाट इज इन दिस सम? 25 माइनस 4x इज लेस देन और इक्वल टू 16। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज अ रियल नंबर। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज एन इंटीजर। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो आदित्या हाउ यू कैन सॉल्व? सर सर 25 माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू 16। तो सर वी विल एलिमिनेट 16 फ्रॉम दैट साइड। तो सर 25 माइनस 16 माइनस 40, नहीं सर पहले, हाँ सर 4x है सर, सॉरी सॉरी सॉरी। तो सर 25 माइनस 16 माइनस 4x इज लेस देन माइनस इक्वल टू 16 माइनस 16। तो नहीं सर बच्चे, 16, आदित्य नो। 25 इन प्ले सेम प्लेस, 16 बिकम माइनस ऑन दैट साइड एंड लेस देन और इक्वल टू सिंबल सेम। माइनस 4x बिकम प्लस 4x ऑन दैट साइड। नाउ सर लास्ट में वही आएगा बट प्रोसीजर मेरा वाला थोड़ा बड़ा था। ओके नहीं, सर आप बताइए। ठीक वो आगे आगे नहीं करना, नीचे नीचे करना, है सर, ओके। वो गलत हो जाएगा बच्चे। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/4। आ गया तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, डेसिमल में चेंज कर दो। 4 2 8, 10 2 5। ये आ गया, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.25। फर्स्ट पार्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू रियल इज क्या वैल्यू होगी बच्चे? आदित्य सर 2 2.25 रियल है बेटा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल भी है ना साथ में, सर दैट रियल इज वैल्यू मतलब क्या होता है? वही रियल नंबर का मतलब सर होता है सारे के सारे रैशनल एंड इरेशनल नंबर, अ कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो 2.25 3 4 जे 3 4 नहीं, 2.25, 2.251, 2.256, वो सारे क्या है? 2.25 से ग्रेटर है और रियल है, रैशनल है ना। सेकंड बच्चे, सर ये स्मॉलेस्ट 2.25 के बाद वाला ऐसा कंसेप्ट नहीं समझ में आया। बच्चे ये है 2, ये है 3, ये है 1, ये है 0। मुझे ये बताओ 2 और 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर लाई कर रहे हैं? सर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 टू सर पॉइंट वन ऐसे वन करके नहीं लाई 3 कर तक रहा आदित्य? 2.11 नहीं लाई कर रहा? टू नहीं सर पॉइंट कर रहा वन है, टू कर रहा है, फाइव नहीं लाई कर रहा? टू कर रहा है सर, पॉइंट कर वन टू फाइव सिक्स नहीं लाई कर रहा? तो रहा है सर। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई करते हैं बिटवीन टू एनी टू इंटीजर और टू नंबर्स और टू नेचुरल नंबर्स और टू होल नंबर्स, किसी के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई करते हैं और सारे के सारे रैशनल क्या होते हैं? रियल होते हैं। दैट्स द रीजन 2.25 इज आल्सो रैशनल। अंडरस्टूड? यस सर, तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.25, 2.25 क्या है? रियल है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हुई? बाकी सारी वैल्यू से क्या है, 2.25 से ग्रेटर होंगी ना एक्स की, तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू यही हुई ना, क्योंकि इक्वल साइन सिंबल भी है साथ में। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू, उन्होंने क्या बोला, इंटीजर आई या जेड। अगर एक्स इंटीजर को बिलोंग करेगा तो कौन सी वैल्यू आएगी स्मॉलेस्ट?
थ्री फोर फाइव, थ्री फोर फाइव, तीन है ये तो वैल्यूज, एक वैल्यू बतानी है बच्चे। कॉलेज, थ्री। हाँ थ्री फोर फाइव नहीं बतानी, स्मॉलेस्ट पूछी है ना, तो कौन सी होगी? टू यस पॉइंट टू सर। फाइव से ग्रेट, मतलब एक्स क्या है ग्रेटर देन 2.25। 2.25 इज नॉट एन इंटीजर, तो 2.25 के बाद कौन सा इंटीजर आता है? थ्री आता है थ्री ना, तो थ्री इज द आंसर। समझ आया बच्चे ये? यस सर। नाउ सेवन सम, क्वेश्चन नंबर सेवन। हमें निश्चय, निश्चय जी यस तेरा अभी कंसेप्ट क्लियर कराते हैं, तेरे को समझ नहीं आया था ना ग्रेटर लेसर ये वो है ना, सर, यस सर। अब आएगा तेरे को। ये क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, क्या लिखा उन्होंने? इफ द रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट का मतलब सॉल्यूशन सेट, इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, बोला है रियल नंबर बोला है ना, सॉल्व दिस, सिर्फ सॉल्व करना। तो यहां पे बच्चे माइनस को यहीं पे रखो, माइनस को उस साइड नहीं लेके जाते, ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल। ये सिंबल कौन सा है? ग्रेटर देन निश्चय। इक्वल -16, ये फोर कहां जाएगा? सर, -16 डिनोमिनेटर हो जाएगा सर, 4। अपॉन फोर, ये कट हो गया, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस फोर आ गया। हाँ सर, इधर -4 हो जाएगा, -= 4 पूरा बोल, पूरी लाइन बोल, ऐसे नहीं यार। सर। एक्स, x < 4। माइनस से माइनस कट नहीं करना, माइनस को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बट साइन ये ग्रेटर वाला लेस हो जाएगा। अब ये यहां पे क्या लिखा था उन्होंने, एक्स बिलोंग टू रियल लिखा था ना, तो यस सर, रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? जब भी रियल हो ना तो वो सेट बिल्डर फॉर्म बनती है, रोस्टर फॉर्म नहीं बनती। एक्स सच दैट, सच। एक्स बिलोंग टू रियल एंड या वेयर, ये चीज लिख देनी है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू फोर, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। ठीक है बच्चे, यस सर। अब इससे नेक्स्ट पार्ट सिमरन, यस सर, टाइम क्या हुआ है पहले तो ये बता। सब मीटिंग ज्वाइन नहीं की हो रही ऐसे कैसे नहीं ज्वाइन हो रही थी, सबकी तो ज्वाइन हो गई यार, सर, नेटवर्क इशू था। मुझे नेटवर्क इशू में लेके बैठा हुआ है, नेटवर्क इशू का अकेला। सर ये वाला पार्ट 7 था, एक बारी फिर से एक्सप्लेन कर दो। कोई बात नहीं चेक कर देते हैं, टेंशन ना लो, अभी आ जाएगा, एक मिनट रुक जा। जस्ट वेट, हाँ जी, 8 - 3x < 20। पहले ये देखो सिमरन, करवाओ बच्चे मुझे, एक्स बिलोंग टू रियल है, इसमें ये सम करवा दोगे ना तो फर्स्ट वाला अपने आप समझ आ जाएगा आपको। क्या लिखूं थ्री सिमरन? यहाँ -8। पे बच्चे 3x के आगे माइनस है ना, तो -3x ही रहेगा, 20, 8 उस साइड चला गया, माइनस का हो गया। ठीक है, यस सर। -3x < = बोलो बच्चे, 17। नो सर, बोलो बच्चे 12। आगे, एक्स इज x = इक्वल टू नहीं, कौन है? <less than equal to. laughs> ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस को भी हम उस साइड ले जाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बच्चे, कल भी हमने किया था, -3x = 12,
-3 नीचे जाएगा तो ये लेस सिंबल क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अगर बाद में लेके जाना है बाद में लेके जा सकते हो। तो x क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 आ गया। जब भी बच्चे x रियल को बिलोंग करेगा उस टाइम हमने जो सोल्यूशन सेट है वो इसी फॉर्म में रहेगा, ये हमारा आंसर है। पर लिखना कैसे है, ऐसे करली ब्रैकेट में x सच दैट, ये जो रेशियो का सिंबल है ना ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सच दैट। ठीक है बच्चे सिमरन, यस x ये चीज लिख देनी है बिलोंग टू रियल। ठीक है, सर, वेयर ये चीज लिख देनी है, बस ये सॉल्यूशन सेट हो गया। पहले वाले में ही हमने यही किया था। ओके समझ आया सर। तो ये केवल नाउ, रियल होता है, कैसे बच्चे? हाँ तो ये केवल रियल नंबर के केस में होता है। जी हाँ जी, अगर इंटीजर होता तो मतलब क्या होते हैं, -3 -2 -1 उस टाइम बच्चे बीच वाले नंबर नहीं आते ना, डेसिमल नंबर्स नहीं सर आते ना, नेचुरल या होल नंबर या इंटीजर के टाइम, सिर्फ रियल सर के टाइम हमने सेट बोल्डर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हम ओके सर इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते रियल नंबर को। सर एक डाउट है हाँ सर, जी बेटा, हम लोग बस -8 को उधर क्यों ले गए, -3x और 20 को इस साइड ला सकते हैं ना। ले तेरा डाउट अभी क्लियर कर देते हैं। चाहे बच्चे 3x को उस साइड ले जाओ, 8 अपने प्लेस पे, 20 को इस साइड लेके आएंगे, ऐसे ही हम करेंगे ना नील, ऐसे ही बोल रहे हो बच्चे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, या हाँ, 3x को राइट साइड और 20 को हाँ लेफ्ट। यहाँ पे क्या आएगा, -12 ग्रेटर देन 3x आएगा ना बच्चे, एंड एक्स -12 3 कहाँ चला गया, नीचे अपॉन 3 3 4, तो एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -4 हो गया ना बेटा। हाँ सेम ही है। ठीक है सी उस साइड लिखा, उस साइड भी मुंह उस तरफ खुला हुआ है, इस तरफ भी मुंह उस तरफ खुला हुआ है, वो दैट इज द सेम थिंग, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। ठीक है, ठीक। ये हमारा और रियल वैल्यू मतलब -4 ही आएगा, तो सेम वैल्यू एज ये द ऐसे ही इसी फॉर्म में लिखना है हाँ ठीक है जब भी रियल से बिलोंग करेगा। तो ओके थर्ड पार्ट हमें नैन्सी करवाएगी, है ना, नैन्सी करवाएगी ना, नहीं तेरी वॉइस, तेरा नेटवर्क उठ गया, उठ गया। ये चलो रवनीत, सर। क्या लिखूं बच्चे मैं, एक्स ऑन 4 माइनस एक्स ऑन 5 ग्रेटर देन 9 माइनस 5। क्या एलसीएम इज एक्स अपॉन 20 20 एलसीएम, तो यहां फर्स्ट टर्म क्या आएगी, फोर को किससे मल्टीप्लाई करें, 25, 5 को एक्स से किया 5x, 5 को किससे करें, 4, 4 इंटू एक्स 4x, 9 -5 4, यहां पे क्या आ गया, एक्स अपॉन 20 ग्रेटर देन 4 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 24 आर 80, ये आ गया। 80। अब एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, रियल को बिलोंग कर रहा है ना, हाय सर सांस क्यों फूल गई तेरी। नहीं सर, हाँ जी क्या लिखूं बच्चे फिर मैं, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल, वेयर या एंड, ये लिख देना है। वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 80। यस बस हो गया। ठीक है
यस सर। डिवाइन, यस सर। सबको पता है डिवाइन पे एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है, कौन तूने तो बताया था। सा सर हाँ नाम का, नाम का? तो मैंने मजाक कर दिया था। मुझे और ये सही पता में है, मैंने बाद में मम्मी से पूछा, मम्मी कहते नहीं नहीं सोच समझ के रखा है। हाँ ऐसे लग रहा है जिस ना किसी भूत प्रेत का नाम ले रहे हो, डिवाइन है ना। नहीं सर। चलो मजाक कर, मूड चेंज करने की कोशिश कर रहा था सबका, कि बोर हो रहे हैं ना। हाँ यस डिवाइन सर। क्या करें। सर 8 यस सर, क्रॉस ऐसे मेथड लिखो में। ना, ओके फाइव यहां से क्या आएगा। एक्स 5x प्लस 15 वेरी गुड, इज लेस देन 8x माइनस 24। नाउ व्हाट आई हैव टू राइट डाउन। 15 प्लस 24 इज लेस देन 8x यस एक्स। 39 इज लेस देन 3x। एक्स इज ग्रेटर देन 39/3 अपॉन 3 विच इज 13। 13 इज ग्रेटर देन एक्स, सॉरी लेस लेस देन देन एक्स, और वी कैन से एक्स इज ग्रेटर देन 30 है ना। तो यस सर। सॉल्यूशन सेट या रिप्लेसमेंट सेट क्या बनेगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 13। हो गया निश्चय। समझ आया यस बच्चे आज सर। कुछ हाँ सर आ गया सर। सब आ गया ना। यस बस सर। वैसे ही तेरे माइंड में वो चल गया कि हाँ ग्रेटर देन लेस क्या आ रहा है बार बार, करना ही पड़ेगा। एक मिनट बच्चा। एक सेकेंड रुको, अच्छे दिया है ना 2x-4x, इसको इस साइड ले आए, 4x को इस साइड ले गए ना, ये चीज यस आ गई, सर। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.25 आ गया। यस सर। रियल का मीन क्या है, 2.25 इज आल्सो रियल। कोई भी नंबर चाहे वो रैशनल है चाहे इरेशनल है, वो क्या होगा, रियल होगा। ठीक है सिमर, यस सर। सिमर सिम सिमरन, सिमर नहीं यस सिमरन, तो वो रियल होगा ना बच्चे, टू यस सर। पॉइंट फाइव ही रियल है। और यहाँ पे साथ में इक्वल का सिंबल भी आ रहा है ना, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है, तो यस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सर। एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू रियल, ये पूछा है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है। यस बाकी सर। सारी वैल्यूज तो 2.25 से ग्रेटर होंगी ना बच्चे, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो सबसे छोटी 2.25 ही होगी ना। यस सर। और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू इंटीजर, अब 2.25 इंटीजर नहीं है और एक्स क्या है, 2.25 से ग्रेटर है, टू हम नहीं ले सकते, क्यों, ये तो छोटा हो जाएगा फिर, इससे स्मॉलर हो जाएगा यस ना, सर। यस सर। इसलिए 2.25 के बाद इंटीजर कौन सा आता है, 3 आता है ना, दिस यस वन। सर। समझ आ गया। यस सर। नाउ ये चैप्टर और किसको टफ लगा, निश्चय के बिना सर बाकी मुझे सब। टफ नहीं लगा सर, मैं कल एब्सेंट था इसलिए समझ नहीं आ रहा था अच्छा कल एब्सेंट कहाँ था तू, कल अकेला सर। दार्जिलिंग आया हूँ सर। अकेला, मुझे भी बुला लेता यार। सर बुक कर दे रहा हूँ टिकट, आ जाइए सर। हाय फिर इनको बाकियों को कौन किराया कर पढ़ाएगा, निश्चय। सर यहाँ से पढ़ा दीजिएगा। दार्जिलिंग कितनी दूर है तुम्हारे घर से। कुछ पूछा है निश्चय, कितनी यस सर। दूर है दार्जिलिंग आपके घर से। सर मोटा मोटी सर 2 दिन लगता है सर ट्रेन से। अच्छा इतना ज्यादा, हाँ चलो सर। कोई बात, 8 सम पे आ जाओ बच्चे। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स,
फॉर विच 5 माइनस 2x लेस देन 5 1 बाय 2 माइनस 5x बाय 3 वेयर x इज एन इंटीजर, मतलब x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को. तो ये मुझे हमारी श्रुति जी करवाएंगे. ठीक है श्रुति? यस सर. हाँ बोलिए क्या लिखूं. माइनस टू एक्स प्लस फाइव एक्स बाय थ्री वेरी गुड इज लेस देन 11 बाय टू 11 बाय टू माइनस फाइव वेरी गुड सर. अब एलसीएम लेंगे माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स इस साइड भी एलसीएम. यस सर. 11 माइनस 10 यहाँ पे माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय थ्री 1 बाय टू माइनस एक्स लेस देन 1 बाय 2 इनटू 3 दैट इज 3 बाय 2 वेरी गुड एंड एक्स इज एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 3 बाय 2 तो इसको डेसिमल में कर लो माइनस 1.5 ये आ गया. अब उन्होंने पूछा क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स. आंसर मेरा पार्ट समझ में नहीं आया स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला. x इज ग्रेटर देन माइनस 1.5 है और x किसको बिलोंग कर रहा है इंटीजर. तो माइनस 1.5 इज नॉट एन इंटीजर. माइनस 1.5 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा है. वन माइनस वन. हाँ आंसर. ओके सर. मेरे को इंटीजर वाला पार्ट फिर से नहीं समझ आया सॉरी. कोई बात नहीं बेटा यहाँ देखिए बच्चे मैंने एक लंबर लाइन ड्रॉ कर दी. यहाँ तक तो समझ आ गया ना x is greater than minus 1.5 तक. हाँ वो वैल्यू निकालने का समझ आ गया. 1 2 या माइनस 1 या माइनस 2 या 0 या 1 या 2. अब माइनस 1.5 यहाँ पे होगा ना इस बच्चे. हाँ सर. माइनस 1 और माइनस 2 के बीच में. अब सारी वैल्यूज माइनस 1.5 से ग्रेटर हैं. ग्रेटर वाली कौन सी होगी इस साइड होंगी ना. हाँ. इस साइड तो जा नहीं सकता माइनस 2 की तरफ तो नहीं जा सकता ना मैं क्योंकि x क्या आया हमारे पास ग्रेटर देन माइनस 1.5 आया है. तो यहां से जब मैं चलने लगा तो सबसे पहला इंटीजर कौन सा आ गया माइनस 1 उसके बाद 0 फिर उसके बाद 1 फिर उसके बाद 2 तो इन सब में से सबसे छोटा कौन सा इंटीजर है जो सर्कल किए मैंने माइनस 1. दैट इज आंसर. अच्छा ओके गॉट इट. समझे क्योंकि एक्स क्या आ गया हमारे पास ग्रेटर देन माइनस 5 माइनस 1.5 आ गया ना और माइनस 1.5 के नियरर और माइनस 1.5 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा है दैट इज माइनस 2 माइनस माइनस 1 बच्चे ग्रेटर ना. हाँ तो माइनस इस साइड जाएंगे तो स्मॉलर हो जाएगा ना. हाँ स्मॉलर होता है तो माइनस 2 ग्रेटर है तो माइनस 1. हाँ सर एक ही कंसेप्ट बताइएगा सर माइनस के सिस्टम में सर जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो एक्चुअल में उतनी छोटी होती है. तेरे को 10th में किसने कर दिया आदित्य. नहीं सर छोटा मोटा बस कंसेप्ट बाकी बाकी सर ये चैप्टर है फोर्थ के फिफ्थ में आ जाता है ये चीज इंटीजर उस टाइम बता देते हैं उस टाइम बता देते हैं. नहीं नहीं सर क्लियर कर रहा था. नेगेटिव में जितनी बड़ी होती है बेटा उतनी स्मॉलर होती है. हाँ जी बच्चे. सर स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस 2 है कि माइनस 1 है सर. माइनस 2 स्मॉलर है माइनस 1 से. माइनस 3 और स्मॉलर है माइनस 4. नहीं सर आंसर में जो भी आप स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखे सर वो माइनस 1 लिखा है ना बच्चे. यहाँ पे ये कंडीशन देखो ना बच्चे क्या आई हमारे पास एक्स ग्रेटर देन माइनस 1.5 आया ना. यस सर. तो माइनस 2 तो ग्रेटर हो नहीं सकता ना माइनस 1.5 से. यस सर. तो एक्स की वैल्यू तो होगी नहीं वो. हाँ
माइनस 1.5 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा है? माइनस वन है, तो दैट इज द आंसर। ओके सर, घर कब कब जाना है वापस? सर अभी टाइम है सर, भैया का बोर्ड्स खत्म हुआ है सर अभी। अच्छा, इसलिए घूमने आए हो? यस सर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक ना इंडिया का टूर निकालूंगा, तुम सबसे मिलके जाऊंगा, ठीक है? ओके ओके सर। सर। दो जन ही बोले हैं, बाकी नहीं मैं बुलाना चाहते हैं ना मेरे को? नहीं नहीं कोई बस बात नहीं, सर, कोई बात नहीं। आ जाने। मैं अभी तक दो स्टूडेंट्स के घर गया, सर आप मुंबई कैसे नहीं आए अभी तक? यार तू बहुत ज्यादा दूर बैठा है मेरे से। अरे पर मुंबई तो सर मतलब आना ही चाहिए। हाँ आएंगे, एक्चुअल में ना गवर्नमेंट जॉब के कारण मेरा पंगा पड़ता है, आ जाओ सर। छुट्टियां नहीं मिलती इतनी। आएंगे घूमने कभी ना कभी। हाँ सर। हाँ जी, ये क्वेश्चन है बच्चे, अभी ये मैं किससे पूछूं? रूहानियत, यस सर। ये मेरा ना बहुत प्यारा सा अच्छा सा बच्चा है, ये मेरे को सारा सम फटाफट करवा देता है ना रूहानियत? यस अब यहाँ पे क्या लिखा है? लार्जेस्ट वैल्यू लिख दिया। अब फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस एंड एक्स बिलोंग टू होल नंबर, क्या लिखूं? सर 2x-2 इज लेस देन इक्वल टू 9-6, यस 2x+6 इज लेस देन इक्वल टू 9+2, वेरी गुड, 3x इज लेस देन इक्वल टू 11, x इज लेस देन इक्वल टू 11/3। एक्स इज लेस देन इक्वल टू, डेसिमल में चेंज करो बच्चे, यस सर। 3 3 9, 26, 6 18, 26 मतलब नियर अबाउट 3.67, और एक्स क्या है? बिलोंग टू होल नंबर, एक्स लेस देन 3.67 है ना, मतलब बाकी सारी वैल्यूज 3.67 से लेस हैं, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू होल नंबर इज, सर 4। मेरे को लगता है ना मैंने तेरी ज्यादा ही तारीफ कर दी है ना रूहानियत। नहीं सर, नहीं सर, एक्स अगर स्मॉल है 3.67 से तो सर 3। हाँ 4 कैसे ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास सर क्या आ रहा है? मैं राउंड करने लग पड़ी कि 6-7 ना ना आया तो ना 4 के नियर फोर अबाउट। तो फोर बच्चे 3.67 से लेस है ना वैल्यूज बाकी सारी, है ना? तो यस सर। जब एक्स होल को बिलोंग कर रहा है तो फोर तो और बड़ा हो गया, वो वैल्यू तो एक्स की हो ही नहीं सकती। एक्स क्या है? लेस देन और इक्वल टू, सबसे छोटी मतलब बड़ी वैल्यू 3.67 है, बाकी सारी वैल्यूज उससे लेस हैं, राउंड ऑफ नहीं करना इसमें। से लेस वैल्यू कौन सी है? होल नंबर है 3, तो सबसे यस लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी हुई जब एक्स बिलोंग सर। टू होल नंबर है? तो 3 होगा, ठीक है? हाँ यस सर। सर वो मैं एक्चुअली राउंड ऑफ के चक्कर में पड़ गई ना। राउंड ऑफ नंबर भी राउंड ऑफ हो जाएंगे, देख ले, करवाने यस सर। हैं नहीं नहीं सर वो करवाने नहीं ना? करवाती। नो बस सर। फिर नाउ सिमरन, यस ये है बच्चे हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन लिखा है और एक्स बिलोंग टू रियल है, बताओ मुझे क्या करूं मैं? ट्वेल्व -5 देन इक्वल टू 3x वेरी गुड,
इसको चेंज करना है। हाँ करना ही पड़ेगा, ये तो नंबर चेंज हो जाएंगे। होए 7/6 करना है इसको, क्या आएगा? वन मिनट। बोलो बेटा। सिक्स वन जा सिक्स प्लस फाइव, इलेवन 11/6x। ठीक है, तुमने सर, मैंने भी यही कहा था कब बोला? तुमने 7 बोला था। सर, मैंने 11 बोला था डिवाइन क्या बोला था इसने? सर, 11/6 ही बोला था मैं 1 मिनट चुप कर, सिमरन। सर। मैं डिवाइन बोल अच्छा, रही हूँ सर, मैंने पता नहीं मेरे कान में कान दिखाने पड़ेंगे मुझे सर डॉक्टर सेवन को। में सिक्स ही सर बोला था मुझे भी शायद, 7 ही लगा सर 11 ही मैंने बोला सर, सेवन बाय सिक्स 11 बोला, मुझे मैंने भी मुझे सेवन भी ही सुना था। पता लगा सर, 7 ही सुनने में आया था। चलो चल, कोई बात नहीं सिमरन, तुम सही है ना, तूने 11 बोला था ना, बस कोई टेंशन नहीं है। 7 यहाँ पे आ गया बच्चे, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 6 एलसीएम आ गए, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी सिमरन? सर उच्ची जा रही बोल, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने अभी भी नहीं सुनाई दिया। बोला 18x माइनस, सर, 1 को किससे करेगी 6 आ जाए? 6, 6 3 18, 6 को किससे करेगी 6 आ जाए? 1, 1 × 11 11। सर क्या आएगा? सेवन एक्स को अपनी प्लेस पे रहने दो, 7 6 ऊपर चला गया, और 7 कहाँ चला जाएगा? नीचे, 7 से 7 कट गया। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, और वी कैन से एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? रियल को। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा बच्चे? एक्स बोलो सिमरन, एक्स रेशियो एक्स एक्स रेशियो नहीं बोलते होते, बोलने में सच दैट लिखना है, अब बोलना है सॉरी, लिखने में रेशियो सिंबल डालना है, बट अगर टीचर आपसे पूछता है तो क्या लिखना है? बोलना है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल, वेयर या एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये हमारा सॉल्यूशन सेट बना। ओके पक्का? सर सर नाउ हमारे पास आ गया बच्चे नेक्स्ट वन, ये हम पूछते हैं सारिका से। ठीक है सारिका, ओके सर इलेवन सम, गिवन एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। किसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है? ठीक है, मुझे कुछ लास्ट वाली बुक में भी देखने दो कितने क्वेश्चन थे इसके। सर, उसमें भी 20 12। 12 ही थे, सेम टू सेम क्वेश्चन ही है ना सारे। हाँ सर, नेक्स्ट एक्सरसाइज के कितने समय? इसके 37 है, सेम ही है ये चैप्टर, तो बिल्कुल सेम है पुरानी वाली बुक का। इलेवन सम बच्चे, क्या लिखा है? एक्स बिलोंग टू इंटीजर, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ -5 लेस देन इक्वल टू 2x-3 लेस देन x+2। हाँ जी बच्चे, सर -5 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x-3।
एंड सेकंड क्वेश्चन, 2x-3 इज लेस देन x+2। यहां से सर -5+3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x, -2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x, -1 इज लेस देन इक्वल्स टू x। -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स। यहां से बच्चे सर 2x-x इज लेस देन 2+3 इज लेस देन 5, इन दोनों को कंबाइन करो। एक्स इज माइनस ग्रेटर देन एक्स और इक्वल टू -1 बट लेस देन लेस देन 5 5। अब सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? सर, -1 सर, 1 यस सर, 0, 1, 2, 3, 4। अगर 0 नहीं डालेगी ना, 3 मार्क्स से सम हुआ तो 2 काट लेंगे वो। ठीक है अरपन। सॉल्यूशन सेट नहीं समझा, हाँ जी, सॉल्यूशन सेट नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? ये क्या है? एक्स है, एक्स क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है ना बच्चे। और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो सबसे एक्स क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो -1 भी आएगा ना, क्योंकि इक्वल टू सिंबल है। अच्छा, -1 के बाद सब इंटीजर, 0, 1, 2, 3। और 5 से लेस लेस तक, क्योंकि यहाँ इक्वल सिंबल नहीं है। अगर यहाँ पे अच्छा भी इक्वल सिंबल होता तो यहाँ पे 5 भी आ जाता। अच्छा इसका मतलब मतलब क्या फाइव हुआ? का माइनस वन और 5 के बीच में जितने भी इंटीजर आते हैं, और क्योंकि यहाँ इक्वल सिंबल भी है इसलिए -1 भी आएगा। बट यहाँ अकेला लेस है तो 5 नहीं काउंट करेंगे, उससे पहले पहले तक। समझे बच्चे? सर। नाउ मैं ना थोड़ा सा अभी ना स्लो करवा रहा हूँ आपको। स्लो इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ आना शुरू हो जाए, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि न्यू स्टूडेंट्स हो, न्यू मतलब ऑनलाइन फर्स्ट टाइम ले रहे हो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं कोचिंग ऑनलाइन, तो मुझे ये है कि वो कंफ्यूज ना हो जाए कि हाँ पता नहीं क्या हो गया, सर तो फास्ट करवा रहे हैं। जब आपको समझ आने लग जाएगा हम बहुत फास्ट चलना शुरू कर देंगे। अंडरस्टूड? ठीक है बच्चे। सिमरन, यस रवनीत, यस सर। क्योंकि ना देखो मैथ एक बहुत इजी सब्जेक्ट है, सिर्फ जिनको ये लगता है ना कि मैथ टफ है, टफ नहीं है, वो सिर्फ माइंड का एक बहम है, अपने दिमाग के अंदर बिठाया हुआ है कि हाँ ये मैथ मैथ मैथ। उसी चीज का मैं बार बार सबसे क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ, टर्न बाय टर्न क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ, कि सबका कंसंट्रेशन यहाँ पे रहे और उनको अच्छी तरह समझ आ जाए। क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, लिखोगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे जब आप क्वेश्चन बताते हो, अगर आपने सही क्वेश्चन बता देते हो ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप रेज हो जाता है आपका, कि नहीं हाँ मैंने बता दिया। अब नैन्सी के साथ यही चीज है, ठीक है नैन्सी? यस सर। अपना लेवल डाउन नहीं करना, ठीक है? ये दिमाग में लेके नहीं आना कि तेरे को मैथ नहीं आता। यू कैन, और मेरे को इतना पता है कि तेरे मैथ में हाईएस्ट मार्क्स आएंगे 10th में। नैन्सी, ओ ओके नैन्सी, सर। यस ओके सर। सर, बस मेरा साथ देना पड़ेगा, ठीक है? ओके सर। और साथ में मतलब जितना काम हम डेली करते हैं उतना करना है बस, ओके? यस सर। अच्छे से नहीं आया यस तेरा। यस सर। हाँ नाउ एक मिनट, रवनीत, यस इसका लेवल भी डाउन है, इसको भी ऊपर करना है। एक्स बिलोंग टू होल नंबर, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड कर, -1
लेस देन 3 प्लस 4x लेस देन 23, क्या आएगा? -1। -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस फोर प्लस एक्स फोर ठीक है, एक्स लेस देन एंड थ्री प्लस फोर एक्स लेस देन 23। ये बड़ी मुश्किल है ना बात सर। तो आप तो कुछ लिखते नहीं है, मेरे से ही लिखवाते जा रहे हैं। हाँ रवनीत, क्या लिखूं अभी यहाँ पे? -1 -1 लेस देन इक्वल टू कोई बात नहीं, डरना नहीं है, डर मत, तेरे सामने क्वेश्चन है ना बच्चे, 3 है ना, इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, रवनीत यस माइनस वन सर माइनस थ्री कितना, -1 -3 कितना होता है बच्चे? सर -4 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4/4, तो x क्या आ गया? ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 आ गया। और यहाँ पे सेम 4x अपनी प्लेस पे रहेगा, 23, 3 उस साइड जाके क्या हो यस जाएगा रवनीत? -3 हो जाएगा। और माइनस x 23 -3 20 एंड एक्स इज less than 20/4, कट किया 5, एक्स क्या हो गया? less than 5 हो गया। इन दोनों को कंबाइन कर दो, एक्स बीच में रख दो, यहाँ ग्रेटर था ओके सर ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या सेम ही बन गया, बट अब इसमें उन्होंने क्या बोल दिया? होल नंबर। वहां पे क्या था? एक्स इंटीजर था, अब यहाँ पे क्या है? एक्स होल नंबर है। तो हमारा सॉल्यूशन नंबर सेट क्या आएगा? हाँ 0 1 2 3 4 क्योंकि 5 से लेस लेस, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए -1 नहीं ले सकते। अगर इंटीजर बोला होता तो माइनस यस वन आता साथ में। समझ आ गया बच्चे ये हमारा? तो यस यस सर आपका यही होमवर्क है, आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, यस सर ओके सर, यस सर ओके। चलो।